विक्रम, आप घर में? कोई नहीं। हाँ है ना, मामा डैडी। क्या है? क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्या? नहीं आ रहा हूं। विक्रम जरा खोली किधर है? जी उधर। ऐसे हमारी दोनों की होगी, रखो। और तो तू, तुम यहां लटकोगे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? अरे हाँ तो तू, ये अम्मा है इस घर की मालकिन। बाजू में खड़े हैं वो मालिक, ये उनका लड़का, वो लड़की, और ये तो तू। बड़ा होशियार है, मालिक का वफादार है। चलो अब मैं यही रहूंगा। हाँ, ये यही रहेंगे ये जी? ये हाँ, और खाएगा भी यही। थोड़ा तीखा बनाओ कुछ दिनों के लिए। भाग्यलक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बैठो बैठो जी। तबीयत कैसे ठीक होगी? वो यहाँ पे क्यों आया? अरे क्यों आया? हाँ, ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। मिस्टर दीक्षित, आप उसको बोलिए कि चला जाए यहाँ से, जाने को बोलो उसको। अरे बाबा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। अच्छी सुन लेगा तो क्या, मेरा घर है। अरे मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं लक्ष्मी, वो कौन हम कौन? मेरा पूजा पाठ वाला पवित्र घर है, और वो अभी अभी जाने को कहिए उसे। अभी बोलिए उसको। हाँ मैं कहता हूँ उसे घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम चुप हो जाओ। अभी शांत हो जाइए, चुप हो जाओ। मुस्तफा बोलो, क्या सचमुच तुम यहाँ रहने वाले हो? हाँ। मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रहने का तरीका अलग है और हमारा। हाँ समझ गया, मतलब आप पूजा पाठ करने वाले और मैं नमाज पढ़ने वाला। फिर भी मैं यही रहूंगा। ये मत पूछिए क्यों भाग्य लक्ष्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सवाल करता है जवाब देने की। सुनो कहाँ जा रही हो? टाइपिंग इंस्टीट्यूट। इधर ऐसे टाइपिंग वाइपिंग बंद, चलो अंदर जाओ। मगर अगले महीने मेरा एग्जाम है। पास हो गई समझो, बगैर इम्तिहान के मैं पास करा दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर तुम बाहर नहीं जाओगी। गणपति गजानन देव की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सम प्रभु गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। बोलो मालिक। भवम भवामी करिषम नमामि मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ मंगलं। ये क्या हो रहा है मिस्टर दीक्षित? क्या हुआ? ये घर है या चिड़ियाघर? अरे घर में शुक्मन ही आए हैं, बोलता पंछी है, बोलेगा ही। ये मालिक के सिवा और कुछ नहीं बोलता क्या? अच्छा तो मैं तुम्हारा दुख समझ गया, मालकिन मालकिन बोलता नहीं है इसलिए ना। ठीक है सिखा दूंगा। पूजाम चैव्य न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर अन्यथा शरणं। बस बस मात्य कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। ये कॉफी तो इनके लिए लाई थी ना? हाँ। ए सुनो, इस तरह तुम्हारा एक कॉफी छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छी है विद्या। इस बर्तन को साबुन से अच्छी तरह से धोके अलग रख देना। अच्छा मम्मा। क्या बात है? राशन का सामान लाया हूं साहब।
राशन का सामान किसने ऑर्डर किया था? ओ साहब जी, इतनी दया मत दिखाओ मुस्तफा, इसे वापस भेज दो। वापस ले जाओ। ठहरो, अनाज है, घर की चौखट तक पहुंच गया है, इसे वापस भेजना अशुभ होगा। सेठ जी से कहना कि शाम तक पैसे भिजवा दूंगी। जी। विक्रम, विद्या। जी मामा। विक्रम ये सामान अंदर रखवा दे, तेरी चूड़ी दे, देना। इसे गिरवी रख के बनिए के पैसे चुका देना। खामखा मैंने इनके खुददारी को ठेस पहुंचाई, या खुदा मुझे माफ कर दे। विक्रम, वो 10-11 का पाना है। देखो तो वो कैसे हुक्म चला रहा है। विक्रम क्या उसका नौकर है? ए मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? देख रहा हूं जब से मैं यहां आया हूं, तुम्हारी धर्मपत्नी मुझे ये वो करके बुलाती है, क्या चल रहा है? मुस्तफा नाम है मेरा। ए जी, हा? हमारे भोले भाले विक्रम को ये अपने जैसा बना देगा। भाग्य लक्ष्मी, वो विक्रम से बहुत प्यार करता है, देखो कैसे हर 5 मिनट के बाद प्यार से उसे विक्रम विक्रम कह के पुकारता है ना? विक्रम। सुना सुना, विक्रम नहीं अक्रम कहता है। अरे नहीं नहीं। ए विक्रम। आया उस्ताद, ये लो उस्ताद। हाँ उस्ताद कहता है, अरे हमारे बेटे की भाषा भी बदल गई। वो काला धागा लाके दिया था, वो पहना है ना? ये है ना उस्ताद, काला धागा। हाँ। ए जी, हाँ? ये दरगाह का धागा है, ये मेरे विक्रम को अक्रम बना कर ही छोड़ेगा, मुझसे तूने देखा जाता। शिव शिव शिव, भगवान मेरे बच्चे को बचा। उस्ताद। हाँ? उस्ताद मुझे भी बाइक सीखना है। साइकिल चलाता है? हाँ चलाता हूँ। तो फिर क्या है, ये क्लच है, ये गियर है, चला जा, बैठ जा पीछे। रख देगी। बैठू? अरे अरे, ये कहाँ लिए जा रहा है हमारे विक्रम को? अरे मोटरसाइकिल सिखा रहा है। मोटरसाइकिल? हाँ, देखो। हे भगवान, अभी तक नहीं आया विक्रम, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा मेरे बेटे को। आज ही जाके देखो ना, जाओ ना। आ जाएगा आ जाएगा। अरे वो देखो आ रहा है, देखो। शाबाश, जाने दे। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ हाँ, विक्रम चला रहा है। न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, मार ब्रेक। शाबाश दयानंद, तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है। आओ दयानंद, तुम भी सीख लो। आइए ना डैडी। अब्बा बोल, अब्बा अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। भगवान मेरा बेटा तो गया। चल उधर, आ गया बेकारों का सरदार। ए दयानंद। हाँ? देखा, एक दिन में सीख गया। अरे बेटा किसका है? अरे बेटा तो तुम्हारा है, लेकिन शागिर्द किसका है? चलाता हूँ, हाथ धो के आता हूँ। अम्मा एक प्याली कॉफी पिलाओ। हुकुम तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नौकरानी हूँ, मैं नहीं बनाती कॉफी ऑफी। कुछ कहा? लक्ष्मी बना दो ना कॉफी, मोटरसाइकिल सिखाने का भाड़ा समझ के पिला दो। अजी मोटरसाइकिल से गिर के टांग वांग टूट गई होती तो? इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अकल वकल है कि नहीं? बर्तन को मुंह लगा के कॉफी पीता है, ऊपर से पियो, बर्तन तो झूठा मत करो। कॉफी तो ऐसे पीता है जैसे पूरा बर्तन खा जाएगा। नहीं खाऊंगा, या ऐसे पीऊंगा। बना दो ना। मेरा बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, बस। चल।
चाय पीते पीते जिंदगी गुजरी, अब अम्मा की कॉफी का चस्का लग गया। लगता है 8-10 कप पिए बगैर दिन नहीं गुजरेगा। ऐसा मत करना बाबा, एक तो नौकरी से निकाला गया हूँ, अब घर से भी निकाला जाऊंगा। तो तू अम्मा कॉफी ला रही है प्यार से, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बोलो शुक्रिया। मुस्तफा कॉफी। शुक्रिया मुस्तफा। मुस्तफा गरम है। हाँ अम्मा का हाथ लगाए तो गर्म ही होगी। मुस्तफा वो स्पेशल है। क्यों शक्कर की जगह नमक डाला है? विक्रम बोला ना। ये लो उस्ताद। अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मुंह लगाऊं, और बचपन से मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि छूत अछूत क्या होती है। फुटपाथ थी, बेरहम भूख थी, बेरहम जिंदगी थी। चलो अम्मा भी खुश, हम भी खुश। विक्रम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ उस्ताद। स्ट्रॉ कितनी छोटी चीज है लेकिन कमाल की है। छूत अछूत का झगड़ा ही खत्म कर दिया। आदमी अगर फसाद ना करना चाहे तो कोई वजह ही नहीं फसाद होने की। विक्रम इधर आ। दयानंद ये तुम्हारा विक्रम हमेशा विक्रम ही रहेगा, क्यों कोई इसे अक्रम बनाए। और एक काला धागा मैंने इसे बड़े यकीन के साथ बांधा है ताकि इसके अधूरे सपने पूरे हो जाएं और इसको किसी की नजर ना लगे।